गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा मोहित ब्लॉग। नहीं, आप सभी का स्वागत है गुज्जर फैमिली में। होप आप सब लोग अच्छे होंगे, अगर अच्छे हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अभी बज रहे हैं शाम के 5, तो मैंने सोचा कि ना मैं ब्लॉग स्टार्ट कर लूं। और मैं आज बहुत सोई, मैंने 2 बजे से मैं सो रही हूँ, अभी 5 बजे उठी हूँ। तो मैं देखो फेस की हालत, अभी मैं उठ के फिर मैंने चोटी बनाई। चोटी बना के मैंने कहा चलो अब चाय बनाते हो, मुझको लग रही है भूख, क्योंकि मैं ज़्यादा चाय की शौकीन हूँ नहीं अब तो ज़्यादा से। मेरे को चाय अच्छी भी नहीं लगती गर्मियों में, मुझे सर्दियों में बस पीती हूँ चाय, और गर्मियों में तो मेरे को नाम भी मिले तो भी बात नहीं, बस इतनी सी चाय लेती हूँ। बस वो क्या होता है ना, हैबिट पच जाती ना, तो फिर उसकी आवाज से ऐसा लगता है थोड़ी सी मिल जाए तो इतनी पीऊंगी तो वो भी नहीं पिवेगी। तो मैं कहती हूँ बढ़िया है चाय छूट जाए, मैं फिर अपना कुछ ग्रीन टी वगैरह मंगाऊँ, पर इतनी गंदी लगती है ना, सब लोग कैसे पी लेते हैं ग्रीन टी वगैरह। मैं ना पी के, लेकिन उसका असर बहुत, मतलब थोड़ी अगर आप मेहनत करते हो ना, 1 घंटे मान लो आप कुछ भी नहीं, आप 1 घंटे अगर वॉक करते हो ना अच्छे से, और आप ग्रीन टी पीते हो सुबह खाली पेट और शाम को, तो बहुत बेली में बहुत असर होता है बहुत। मैंने पहले ट्राई किए तो मेरा तो आप इतना वेट लॉस हो गया था, पहले बिल्कुल नॉर्मल हो गई थी, लेकिन फिर से मतलब मेरा क्या है ना, मेरा वेट के पीछे एक कारण भी है, मेरा वेट बढ़ रहा है उसकी वजह से मेरा थायराइड है। तो थायराइड वालों का ऐसा, अगर प्रॉपर दवा आप नहीं खाओगे तो आपका वेट गेन होता चला जाता। तो मैं भी कोई, मेरा कोई ट्रीटमेंट नहीं चल रहा है इसका, क्योंकि मैंने भी करवाया नहीं है अब, लेकिन मैं बहुत जल्द सोच रही हूँ कि अपनी थायराइड का ट्रीटमेंट स्टार्ट करवा दूँ, क्योंकि मेरा वेट बहुत बढ़ रहा है। मैं बहुत कम खाना खाती हूँ, मान लो 2 या 3 रोटी खाऊंगी, अगर चावल है तो 1 रोटी खाऊंगी, और शाम को भी 2 रोटी, तो इतने से खाने में भी मेरा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। और फास्ट फूड में कभी कभार हमारे घर पे आता है, जैसे मान लो हफ्ते 10 दिन में अगर कभी कभार आएगा तो उसमें भी थोड़ा बहुत खाते हो, ऐसा नहीं कि एवरी डे ऐसा बाल का खा रहे हैं फुल टसी, तो उससे वेट बढ़ रहा हो, पता उस बीमारी से ही बढ़ रहा है। तो अभी लग रही थी मेरे को भूख, तो अभी आ गया दूध और बनाती हूँ चाय। हमारी गैया का दूध बस फटना बंद हो जाए, क्योंकि पहले तो 7-8 दिन तक दूध फटता है, फिर अभी तो हम लोग 1 महीने तक उसका दूध नहीं खाते, मुझे तो नहीं अच्छा लगता गाय के दूध की चाय। मेरे को ना क्योंकि सब्जी चावल बहुत अच्छे लगते हैं, उसके साथ उनको खा के फिर बनाऊँ चाय सबके लिए, फिर जाऊँ सीधा छत पे। हाँ मम्मी ने आता था, हमने कल बोल लिया था, वो नहीं होते चने जो हरे चने होते हैं ना, हमारे यहाँ पर बनते हैं तो हो रहा बूट, मतलब ऐसे कुछ ही बोल सकते हो। तो मैंने हम लोगों ने इतने कष्ट से कल निकाले थे, मैंने तो नहीं निकाले सारे, मम्मी ने निकाले थे, मैंने निकाले थे थोड़े बहुत, तो वही ओबले वगैरह रखे हैं, पर मम्मी बनाएंगे उनको मठा में पीस के, पता नहीं कैसे बनाते हैं। तो अन्नु थी नहीं कल से, अन्नू वगैरह ये लोग अपनी बुआ जी के यहाँ पर थी, तो मठा इनके फ्रिज में रखा था, हमारा फ्रिज ख़राब हो गया तो ना अभी शाम को बनाएंगी मम्मी, तो मम्मी बनाएंगी मेरी आंटी ने, सुबह ही वहाँ वो करके रख दिए थे मैंने, तो सुबह से बस अन्नू का इंतजार हुआ था, क्योंकि ये आती इनके फ्रिज में से हमारी बोतल में करती मठे की। मैंने बनाई पत्ता गोभी चावल मुझे, सो अभी मैं आ गई हूँ ऊपर, और देखो मैं अभी एक चीज़ दिखाती हूँ आपको, किस किस को अच्छी लगती है बेर, पता है हम लोग गांव गए थे ना तब दीदी के यहाँ से बेर और जामफल, मतलब अमरूद लेके आए थे, क्योंकि दीदी के यहाँ पे बहुत सारे अमरूद की बगिया है पूरी, और बेर तो गांव में सब जगह पे मिल जाते हैं, मेरी ससुराल थी वहाँ पे तो इतने ज़्यादा बेर थे, मैं छत पे पर्स करवा रही थी, क्योंकि जितनी भी लेट से आती है ना बाहर से, मैंने ब्लॉग इसलिए नहीं बनाया क्योंकि अच्छा नहीं लगता है, देखो किसी को अच्छा लगता है और किसी को नहीं लगता है ब्लॉग में आना, तो मैं कभी भी बिना, मैं कभी भी उस इंसान का तो बिल्कुल भी नहीं बनाती हूँ जिन लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे पता है किन लोगों के साथ मुझे ब्लॉग बनाना है, उन लोगों को ही मैं लेती हूँ और उन लोगों के सामने ही बनाती हूँ, क्योंकि यार अपन इतने बड़े अभी फेमस हुए भी नहीं है और इतने अपनी वीडियोस चलती बनी है, तो काय के लिए लफड़ा करो, काय के लिए किसी के मुंह से सुनो कि वगैरह बैस गई है। तो उसकी टीन पर ना इतने सारे बेर थे पूरी टीन लाल रखी थी, तो हम लोग इतना ललचा रहे थे देख देख के कि यार काश ये बेर हमें मिल जाए खाने के लिए, फिर वहाँ पे तो नहीं मिले क्योंकि वहाँ पे अगर एक दिन रुकती तो बहुत सारे आ जाते, फिर दूसरे दिन जब दीदी यहाँ पे गए तो वहाँ पे मेरी दीदी की लड़कियों ने तोड़ के रख लिए थे, तो वहाँ से ले आए थे, तो जो बिल्कुल हरे थे धूप में रख दिए थे मैंने, सूख गए पूरे ख़त्म भी हो गए। चलो मैं थोड़ा सा वॉक कर लूँ, फिर मुझे नीचे जाऊँगी, मम्मी आ जाएंगी दूध लेके, दूध गर्म करूँगी, उसके बाद में मैंने बताया था आपको चना की सब्जी बनेगी मठा में। बिजी इंसान वीडियो है, ओ मेरी देख रही है, तो देख एक बार ब्रेकफास्ट कर लो।
अभी आपके एग्जाम कब से स्टार्ट होने वाले हैं? हो गए हैं। को कितने एग्जाम हो गए हैं? अभी 3 हो गए। कितने होंगे अभी और? 3 और होंगी। अच्छा, और क्या क्या आता है जल्दी सुनाओ। और 1, 2, 3 कितनी आती हैं? 3 तक सुनाना। 1, 2, 3, 4 करो जल्दी जल्दी। अच्छा, अभी आप यहाँ पे हो, आपकी मम्मा टेंशन कर रही होंगी कि आप कहाँ पे हो। नहीं कर रही। अनु दीदी आपको कौन लगती है? दीदी। दीदी लगती है। अच्छा, आपका नाम क्या है? वैष्णवी। वैष्णवी, आप मुझे जानती हो? कैसे जानती हो? आपने तो, आप तो मेरे साथ फर्स्ट टाइम मिले हो ना, फिर तो आप तो मेरे इतने क्लोज हो गए। आप रोज आओगे हमारे घर पे? एक काम करती हूँ, मैं आपको गोद ले देती हूँ, आप और परी दोनों सिस्टर सिस्टर हो जाना। रहोगे मेरे पास? रहोगे? रह जाना, मैं भी मम्मा की तरह ही प्यार करूंगी। बताओ भगवान, ऐसे बच्चे सभी को दो प्यारे प्यारे से। मैंने कहा, पहली बार मिली थी मैंने कहा मैं तुम्हें गोद ले लूंगी, उसका मुंह इतना सा हो गया। वैसे बढ़िया बातें बना रही।